हेलो गाइज, मेरा नाम है सोम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये है मेरे पास पोको M5 डिवाइस और इस स्मार्टफोन में आपको बहुत सारे हिडन फीचर और ट्रिप्स एंड टिप्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि नोच के अराउंड यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट वाला फीचर, AOD का फीचर, HDR इन्हांसमेंट वाला फीचर, इमेज इन्हांसमेंट वाला फीचर, हॉट रट वाले फीचर वगैरह वगैरह। इसमें बहुत सारे आपको फीचर देखने को मिलते हैं जो कि आई थिंक आपको पता नहीं होंगे। अगर आप पोको M5 ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहिएगा, आपको सभी फीचर्स के बारे में पता लग जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलना चाहूंगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेकिन इसके अंदर देखते हैं थोड़ा अलग ही आपको देखने को मिलता है। जैसे कि OTG के थ्रू यहाँ पे माउस एंड कीबोर्ड को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ तो ये कंट्रोल हो जाता है, और यहाँ पे देखते हैं माउस से अपने फोन को कंट्रोल कर सकता हूँ, कीबोर्ड से भी अपने फोन को कंट्रोल कर सकता हूँ, और गेमिंग वगैरह करना चाहते हो ना कीबोर्ड एंड माउस से तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। अगर आपके पास वायर वाला माउस है तो वायर वाला माउस से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास विदाउट वायरलेस वाला है तो उससे भी आप कर सकते हैं ना, काफी कमाल का फीचर ये। नेक्स्ट फीचर की बात करो तो ये देखते हैं काफी सारे आइकन है ना वो इधर से उधर हो चुके हैं। अभी बहुत सारे आइकन होते हैं ना इधर उधर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसको सेट करने में, लेकिन पोको ने इसको काफी आसान कर दिया। यहाँ पे आपको पिंच आउट करना है और फोन को यहाँ पे थोड़ा शेक करना है, शेक करने के बाद देखते हैं ऑटोमेटिक जहाँ के आइकन है वो वहीं के वहीं चले जाते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करो तो वो भी मिलेगा मोबाइल की सेटिंग में, और वो मिलेगा आपको एडिशनली सेटिंग में, यहाँ पे मिलेगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन। जी हाँ, जैसे कि आपका फोन बाय डिफॉल्ट बटन पे होता है, जैसे कि देखते हैं बटन आपको देखने को मिलेगा तो इसको आप मिरर करना चाहते हैं, देखते हैं बैक बटन को लेफ्ट टू राइट करना चाहते हैं, राइट टू लेफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मिरर बटन का ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पे बटन को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे बटन को हाइड कर सकते हैं फुल स्क्रीन गेस्चर पे, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कर रखा था। तो यहाँ पे देखते हैं बैक मुझे ऐसे करना पड़ेगा, बैक इसमें ऐसे करना पड़ेगा, होम स्क्रीन पे इस प्रकार से जाना पड़ेगा, तो बटन को हाइड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात को तो वो कुछ स्पेशल फीचर आपको देखने मिलते हैं, क्योंकि पोको ने उसका नाम ही दिया स्पेशल फीचर का ऑप्शन। जी हां, यहां पे सेटिंग में जाएंगे, यहां पे मिलेगा स्पेशल फीचर का ऑप्शन और यहां पे मिलेगा सेकंड स्पेस का फीचर। जी हां, सेकंड स्पेस क्या है, मतलब एक फोन के अंदर दो फोन यूज करना चाहते हो तो इस फोन के अंदर आप आसानी से कर सकते हो। जी हां, नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करते हैं तो ये फीचर आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। इसमें काफी सारे ऐप फ्लोटिंग विंडो में सपोर्ट करता है, जैसे कि प्ले स्टोर फ्लोटिंग विंडो को सपोर्ट करता है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्वाइप करके आपको फ्लोटिंग विंडो में जाना पड़ेगा, तो कुछ इस टाइप में आपको देखने को मिलेगा अगर आप बटन हाइड के अंदर इसको ओपन करते हैं। ठीक है, छोटी सी विंडो में इसको चलाना चाहते हैं, एक साथ दो बार करना चाहते हैं, यहाँ से आप ड्रैग वगैरह करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने बटन वगैरह लगा रखे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस टॉगल्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन। फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक करेंगे तो ये देखते हैं इस प्रकार से फ्लोटिंग विंडो में किसी भी ऐप को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर भी आपको देखने को मिलता है स्पेशल फीचर के अंदर, सेटिंग में जाएंगे, स्पेशल फीचर में जाएंगे और यहाँ मिलेगा वीडियो टूलबॉक्स का ऑप्शन। इसको जैसे ही आप ऑन कर देंगे तो ये वैसे डायरेक्टली ऑन नहीं होता, आपको पर्टिकुलर ऐप पे इसको अनेबल करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने थीम ऐप पे अनेबल करके। अब जैसे मैं थीम ऐप को ओपन करूंगा ना तो इसके अंदर एक थीम ऐप में मुझे एक शॉर्टकट देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखते मुझे एक शॉर्टकट देखने को मिल रहा है, इसको मैं स्वाइप करता हूँ तो ये आ चुका आपका वीडियो टूलबॉक्स। यहीं से भी आप फ्लोटिंग विंडो में किसी भी ऐप को यूज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं इस टैप में, वो जो आपको देखने को मिलता है। और कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि हो गया और यहाँ पे मतलब म्यूजिक प्ले होता रहे बैकग्राउंड के अंदर और वीडियो ना चले तो उस प्रकार से भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है, तो इसका यूज करना चाहते तो कर सकते। नेक्स्ट फीचर की बात करो तो वो आपको देखने मिलता है मोबाइल की सेटिंग में, स्पेशल फीचर में। गेम टर्बो की बात करें तो इस फोन में आपको गेम टर्बो देखने को मिलता है और गेम टर्बो काफी एडवांस लेवल का आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग में जाके काफी सारी कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलती है, यहाँ से इन दोनों को ऑन कर दीजिए जब भी गेम के अंदर आपका शॉर्टकट अनेबल हो जाता है, एडवांस सेटिंग में जाके इसकी काफी सारी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, लेकिन मेन कस्टमाइजेशन आपको यहां पे देखने मिलती है सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहां से राइट की ओर मैं स्वाइप करूंगा तो यहां पे अपने फोन की परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हैं बूस्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद भी आपको लगे मतलब परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं आ रही तो यहां पे देखते हैं परफॉर्मेंस मोड अनेबल करने का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको ऑन कर दीजिए। यहां से देखते हैं स्वाइप करके बूस्ट कीजिए और यहां से इसको ऑन कर दीजिए तो और भी परफॉर्मेंस यहां पे बूस्ट हो जाएगी, है ना, काफी इंटरेस्टिंग। यहां पे D&D मोड, स्क्रीन रिकॉर्ड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहीं से आप कर सकते हैं, और कमाल की बात है कि वॉइस चेंजर का सपोर्ट भी देखने को मिलता है यार इस फोन के अंदर। अब यहां पे यूज करके दिखाता हूं, तो तेरे भाई ने ले लिया पोको M5 डिवाइस, अब देखना बहुत सारे गेम खेलूंगा मैं। तो देखते कुछ इस टैप में ये देखने को मिलता है यार, तो काफी कमाल का फीचर है। वॉइस चेंजर का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, काफी लोग पूछते हैं तो वॉइस चेंजर भी इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूं तो नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो वो मिलता है मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा डिजिटल वेलबिंग। डिजिटल वेलबिंग सभी फोनों में होता है जो कि अनलॉक बताता है कितनी बार लॉक किया, अनलॉक किया, कितनी नोटिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फोकस मोड का फीचर। अब फोकस मोड का फीचर क्या है, जैसे कि मैंने इन दो ऐप पे ये देखते हैं फोकस मोड लगा रखा, जैसे कि टर्न ऑन नाउ करूंगा टिक करके तो यहाँ पे देखते हैं ये ऐप पे फोकस मोड लग चुका है। अब देखते हैं BGM
HDMI का जो है ना विजुअल नहीं हो रहा। देखते हैं इसका आइकन, देखते हैं पूरा फेड हो चुका है। और इसको ओपन करेंगे तो भाई ये कहेगा नहीं ओपन कर सकते, क्योंकि आपने फोकस मोड लगा रखा है। मतलब ये फोकस मोड उसी लिए है जैसे कि किसी चीज़ पर आप फोकस करना चाहते हो, अपनी स्टडी वगैरह पर, आप चाहकर भी उस ऐप को ओपन नहीं करना चाहते तो उस लिए आप इसका यूज वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो देखने मिलता आपको एडिशनली सेटिंग में, और यहाँ पर मिलेगा गेस्चर एंड शॉर्टकट का ऑप्शन। जी हाँ, इसमें पता है आपको 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, तो ये कुछ आपको देखने मिलता है। और पार्सल स्क्रीनशॉट का फीचर भी आपको देखने मिलता है, जैसे कि आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं 3 फिंगर को यहाँ प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं कस्टम स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पर्टिकुलर एरिया का, इस प्रकार का आपको स्क्रीनशॉट लेना है या इस प्रकार का आपको लेना है, तो इस अपने हिसाब से आप कितना भी जितने एरिया का आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो आप ले सकते हैं, है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग। वैसे आप फुल स्क्रीनशॉट लेते हो, क्रॉप वगैरह करते हो, उसके पिक्सल वगैरह फट जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता यार। आपको नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है सेटिंग में, एडिशनली सेटिंग में गेस्चर एंड शॉर्टकट के अंदर ही। जी हाँ, अब यहाँ पे आपको देखने मिलता है डबल टैप टू यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे जो आपको लगाना है। जैसे कि मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे, क्या लगाते हैं हम यहाँ पे कैलकुलेटर ऐप लगा लेते हैं। अब यहाँ पे डबल फिंगर से मैं इसको टच करूंगा तो यहाँ पे देखना डायरेक्ट ही वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं डबल टैप मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो जो भी आपको शॉर्टकट अनेबल करना है अपने फिंगरप्रिंट सेंसर पे डबल टैप पे, वो यहाँ पे इसको डायरेक्टली अनेबल कर सकते हैं और किसी भी एप्लीकेशन को क्विक ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करो तो इस फोन में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर भी देखने मिलता है। आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं या XYZ कुछ किसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको भेजनी है या आपको रिकॉर्ड करनी है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे देखने मिलता है, जो कि आप टॉगल्स में कि यहाँ पे स्टार्ट वगैरह कर सकते हैं। स्टार्ट कीजिए और स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह आपकी स्टार्ट हो जाएगी, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप की आपको जुट नहीं पड़ने वाली। नेक्स्ट फीचर की बात को तो यहाँ पे देखने मिलता है मेमोरी एक्सटेंशन वाला फीचर। जी हाँ, अगर यहाँ पे आपने 4GB वाला रैम वाला वेरिएंट बाय किया तो यहाँ पे 1GB रैम एक्सटेंड कर पाओगे, मतलब 4GB है तो 5GB कर पाओगे। अगर 6GB वाला बाय किया तो यहाँ पे 2GB रैम एक्सटेंड कर पाओगे, 6GB प्लस यहाँ पे 2GB हो जाएगी। मतलब आप हैवी टास्क परफॉर्म करते हैं तो इस मेमोरी एक्सटेंशन को आप ऑन करके रखिए, थोड़ी अच्छी रहेगा यार आपके लिए, मतलब रैम मैनेजमेंट काफ़ी सही रहेगी। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो आपको देखने मिलता है एजबिलिटी के अंदर। एजबिलिटी मेनू पर हम क्लिक करते हैं, इसको ओके करते हैं और यहाँ पे इसको अलो कर देते हैं। अलो करने के बाद यहाँ पे देखते हैं एक बटन आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं क्यूक चीजें मैं ओपन कर सकता हूँ। पावर बटन करना है, रिसेंट टैब मेरे को ओपन करना है, तो ये मैं आसानी से इसके अंदर कर सकता हूँ। और इसमें कस्टमाइजेशन भी आपको देखने मिलती है, ये कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और कितना स्मॉल होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, तो इस हिसाब से इसको कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये फीचर आपको देखने मिलता है, इसका आप यूज करना चाहते तो बेशक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर को बताने से पहले, अगर ये मेरी वीडियो 15 सितंबर से आप पहले देख रहे हो ना, तो टहनो शेयर की तरफ से ना यहाँ पे आईफोन 14 का गिवे चल रहा है, तो इसमें आपको पार्टिसिपेट ले सकते हैं यार। डिस्क्रिप्शन मैंने इसका लिंक दिया हुआ, बस आपको सिंपल से कुछ टास्क फॉलो करना है और आईफोन 14 अब विन कर सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको आईफोन को चार्ज करना है, रियल में चार्ज नहीं करना, बस इनके कुछ टास्क हैं उनको फॉलो करना है, उनको अगर आप कर लेते हो तो आपका आईफोन 14 कर सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ज ना हो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनके टास्क ऑटोमेटिक विजिबल हो जाएंगे। जैसे टास्क विजिबल होंगे तो आपको बताएगा कि इनके ट्विटर पर आप इनको फॉलो कर देते हो 20% आपका आईफोन चार्ज हो जाएगा। इस हिसाब से करके इनके जो टास्क दिए हैं ना, इनको टास्क को फॉलो करके आप आपका आईफोन चार्ज होता रहेगा। जैसे 70% चार्ज हो गया ना, तो इनके टास्क का फॉलो करते रहोगे तो आपका फोन आईफोन 100% चार्ज कर लेते हो तो आप आईफोन विन कर सकते हो। जी हाँ, इनके टास्क दिए हैं, उन टास्क के आप 70-80% अपने आईफोन को चार्ज कर सकते हो, और रैंडमली जिसका लक हुआ वो उसका आईफोन 100% चार्ज हो जाता है ऑटोमेटिक, तो वो आईफोन 14 यहाँ पे 100% विन कर सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस गिव अवे पार्टिसिपेट का लिंक दिया, सिंपल से कुछ टास्क फॉलो करके आईफोन 14 को विन कर सकते हो। ओनली फॉर ये चल रहा है 15 सितंबर तक, जी 24 अगस्त से 15 सितंबर तक ही चल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक वगैरह दिया, वहां से इसमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो जाके आप चेकआउट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की ओर। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है ऐप्स के अंदर। ऐप्स के अंदर जाएंगे तो इस फोन के अंदर आप ऐप लॉक भी लगा सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसी के अंदर आपको देखने मिलता है ऐप लॉक वाला फीचर। इस फोन के अंदर आप ड्यूल ऐप यूज करना चाहते हो, डबल व्हाट्सअप यूज करना चाहते हो, डबल फेसबुक यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पर ड्यूल ऐप्स में जाकर उसको क्रिएट कर सकते हो। और कमाल की बात यह है ना कि अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप वाला फीचर देखने को मिलता है। मान लीजिए यहाँ पर कैलकुलेटर ऐप को भी इंस्टॉल करना ना, तो उससे भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए कैलकुलेटर एप्लीकेशन है, इसको जाके ऐप इन्फो में जाके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप वेदर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, मतलब सिस्टम के ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बस 7 से 8 एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल नहीं होगी, बाकी सारी सिस्टम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। कहीं होते हैं ना जो इंस्टॉल ही नहीं होते, लेकिन इसमें आप कर सकते हैं यार, तो ये काफी कमाल का। नेक्स्ट फीचर की बात करो तो वो आपको देखने मिलता है अपने होम स्क्रीन के अंदर। होम स्क्रीन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको ऐप ड्रॉवर का ऑप्शन। जी हाँ, ऐप ड्रॉवर में जाके इस बैकग्राउंड कलर किस टाइप में होना चाहिए, इस टाइप में ट्रांसपेरेंट, जैसे कि ये देखते मैं इस प्रकार से कर देता हूँ, तो ये मेरा पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखते पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है ना, और यहाँ पे व्हाइट करना चाहते हो तो व्हाइट
भी कर सकते हैं, इस प्रकार से व्हाइट भी आपको देखने मिलेगा। कई लोगों को व्हाइट पसंद नहीं आता तो कई लोग ट्रांसपेरेंट रखते हैं, डार्क रखना चाहते हैं, लाइट इनका खुद का भी देखने मिलता है, तीन ऑप्शन, और अपने हिसाब से भी आप कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो आइकन के साइज को यहाँ पे लार्ज मीडियम अभी आप इसके अंदर कर सकते हैं। और एक चीज और आपको देखने मिलता है, नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको अरेंज आइटम रिसेंट। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं टास्क मैनेजर आपको इस टाइप में देखने को मिलता है, और वर्टिकल में आपको कुछ इस टाइप में आपको देखने को मिलता है। तो जो भी आपको रखना है यहाँ पे आप रख सकते हैं। और यहाँ पे देखने मिलता है डबल टैप टू लॉक स्क्रीन, यहाँ पे देखते हैं मैं डबल टैप करूंगा यहाँ पे अपने फोन को तो ये लॉक हो जाता है, तो इसका भी यूज करना है तो कर सकते हैं। और एक आपको और फीचर देखने मिलेगा आई थिंक ब्लर ऐप प्रीवियस का फीचर, इस पर आप क्लिक कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे इसको कैमरा पे ऑन कर रखा है, जिस ऐप पे ऑन करेंगे इस पर एनेबल हो जाएगा। जैसे कि कैमरा को मैंने ओपन किया, कैमरा को ओपन करने के बाद यहाँ पे टास्क मैनेजर को करता तो ये देखते पूरी की पूरी चीजें ब्लर हो चुकी है, मतलब यहाँ पे दिख नहीं रही क्या चीज आपने यूज किया था। तो इस चीज से आपको हाइड करना था तो ये भी आप ब्लर वगैरह करना था तो कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आपको देखने मिलता है नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर, यहाँ पे मिलेगा नोटिफिकेशन सेट का ऑप्शन। मान लीजिए एंड्रॉइड पे करेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे आपको देखने मिलेगा नोटिफिकेशन, लेकिन MIUI के अंदर थोड़े बड़े बड़े नोटिफिकेशन आएंगे तो वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और कमाल की बात है ना, कंट्रोल सेंटर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका कंट्रोल सेंटर का स्टाइल है, मान लीजिए आपको बिल्कुल ही सिंपल करना ओल्ड वाला तो यहाँ पे ओल्ड वाला कर लीजिए, देखते कुछ इस टाइम में देखने मिलता है। मेरे को यही अच्छा लगता है यार, देखते हैं कलरफुल देखने मिलता है, जैसे लग रहा है आईफोन वगैरह वगैरह चला रहे हैं, कलरफुल मेरे को डिवाइस अच्छे लगते हैं। इस प्रकार से मैंने ये अनेबल कर रखा है, तो जो भी आपको यहाँ पे एनेबल करना है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात को तो वो आपको देखने मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर, हम इस पर क्लिक करते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं हमें मिलता है साउंड असिस्टेंट का फीचर। ये नाम पहली बार सुना होगा लेकिन काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। जो बाय डिफॉल्ट ऑन होता है ऑफ होता है इसको आप ऑन कर दीजिए, और जहाँ पे भी आपका साउंड होता है जैसे कि म्यूजिक ऐप भी हो सकता है, यूट्यूब भी हो सकता है, और भी अदर ऐप हो सकते हैं। जैसे कि मैं म्यूजिक में दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने प्ले किया, अब यहाँ वॉल्यूम अप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखते हैं ये असिस्ट बटन होता है, देखते हैं असिस्ट बटन ऑन हो चुका है। और यहाँ पे देखते हैं पर्टिकुलर ऐप का यहाँ पे साउंड कम ज़्यादा कर सकता हूँ, देखते हैं म्यूजिक ऐप का ही कम ज़्यादा होगा, पूरे साउंड का जो कम ज़्यादा नहीं होगा, मतलब आपका जो फोन है उसका साउंड वैसे सेम टू सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ म्यूजिक ऐप का यहाँ पर साउंड कम हुआ है। अगर यूट्यूब ऐप चलाऊंगा तो वहाँ पर यूट्यूब ऐप शो करेगा तो वहाँ पर उसका साउंड सिर्फ कम होगा। तो ये चीज़ आपको देखने मिलती है साउंड असिस्टेंट वाला। नेक्स्ट फीचर की बात को तो वो आपको देखने मिलता है यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर डार्क मोड का सपोर्ट भी देखने मिलता है। इस फोन पे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका फोन देखते पूरा पूरा डार्क मोड में इस प्रकार से हो जाता है, देखते हैं मतलब पूरा पूरा डार्क हो जाता है। और इसमें आप शेड्यूल करना चाहते हैं कितने टाइम से कितने टाइम तक ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाए तो वो भी आप कर सकते हैं, और पर्टिकुलर ऐप पर भी इस डार्क मोड का ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं लाइट मोड पर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट आपको देखने मिलता है रीडिंग मोड, रीडिंग मोड वैसे आपको मान लीजिए कोई स्टडी वगैरह कर रहे हैं आंखों मतलब कम असर पड़े फोन का तो इसका भी यूज करना है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आपको कलर वगैरह चेंज करना है, किस हिसाब से कलर रहना चाहिए डिस्प्ले का, वो अपने हिसाब से कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद आ रहा है वो हिसाब से आप इसके अंदर सेट वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करो तो वो आपको देखना है रिफ्रेश रेट। इस फोन में आपको पता है 90Hz का डिस्प्ले देखने मिलता है, 90Hz पर कर लेंगे तो आपको फोन बहुत ज्यादा स्मूथ चलता है, लेकिन थोड़ी सी बैटरी ज्यादा कंज्यूम करेगा लेकिन फास्ट ज्यादा चलेगा, ये थोड़ा आप ध्यान रखना। टेक्स्ट के साइज को कम ज्यादा आप करना चाहते तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करो तो वो मिलता है मोबाइल की सेटिंग में, वो मिलता है लॉक स्क्रीन के अंदर जाएंगे तो यहाँ मिलेगा रेस टू वेक वाला फीचर, इसको बता देता हूँ क्या चीज़ है। और यहाँ पे आपको देखने मिलता है क्लॉक स्टाइल भी किस हिसाब से आपको रखना है, इस टाइप में चाहिए क्लॉक स्टाइल, इस टाइप में चाहिए, इस टाइप में चाहिए, तो जो भी आपको क्लॉक स्टाइल रखना है वो रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम रेस टू वेक वाला फीचर को जिसको मैंने ऑन किया था। अब मान लीजिए मैंने इस प्रकार से फोन को ऑफ कर दिया, अब मैं कोई बटन प्रेस नहीं करूंगा और यहाँ से देखते मैं कुछ इस प्रकार से इसको बस हाथ में लिया है और ऑटोमेटिक इसने स्क्रीन ऑन हो चुकी है, मतलब इसको पता लग जाता है आप फोन को यूज करना चाहते हो तो इसलिए आप रेस टू वेक फीचर का ऑन वगैरह कर सकते हो। वैसे इसका यूज करना नहीं चाहिए ज्यादा क्योंकि यहाँ पे हम जेब वगैरह में रखते हैं तो भी ये डायरेक्टली ऑन कर देता है थोड़ा सा सेक होने पर भी। नेक्स्ट फीचर की बात को तो ये फीचर कुछ आपको हाइड फीचर आपको देखने को मिलते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको एक्टिविटी लॉन्चर को डाउनलोड करना पड़ेगा। जी हाँ, इसको आपको डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर ओपन करना पड़ेगा जो कि हिडन फीचर फाइंड करने के काम आते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे सर्च बार पर क्लिक करना है, AI आपको लिखना है, AI के बाद यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखने को मिलता है AI इमेज एनहांसमेंट, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखते हैं कुछ इस टाइप में आपको देखने को मिलता है। इसको आप एनेबल कर देंगे तो देखते जो भी इमेज है ना वो थोड़ी इनहेंस हो जाएगी इसको ऑन करने के बाद, देखते हैं AI इमेज एनहांसमेंट वाला फीचर देखने को मिलता है। और डायरेक्ट आप इसका शॉर्टकट क्रिएट कर लीजिए, बार बार ही आपको एक्टिविटी लॉन्चर में जाने की जरूरत नहीं है, यहां से क्रिएट शॉर्टकट कीजिए। अगर ना बने तो एक्टिविटी लॉन्चर को आपको परमिशन अलाउ करनी पड़ेगी, यहां पे जाके इसको अदर परमिशन में जाके स्क्रीनशॉट की परमिशन आपको ऑलवेज करनी है, उसके बाद इसका क्रिएट शॉर्टकट कीजिएगा, आपके होम स्क्रीन पे शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है यहां पे AI HDR एनहांसमेंट का फीचर, इसको एनेबल करेंगे तो यहां पे दिखा रहा है इसको ऑन करने के बाद किस प्रकार की आपको एनहांसमेंट देखने को मिलेगी, तो इसको भी ऑन करना चाहते तो कर सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है MEMC वाला फीचर,
फीचर जो कि देखते हैं कुछ इस टाइप में आपको देखने को मिलता है। इसको इनेबल करने में बता रहा है कितनी स्मूथनेस आपको देखने को मिलेगी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आपको स्मूथ वीडियो देखनी है तो यहाँ पर देखते हैं, इसको ऑन कर लीजिए, कुछ इस टाइप में देखने को मिलता है। अब रियली वर्क करता है कि नहीं करता वो आप चेक करके बता देना। नेक्स्ट फीचर की बात की तो वो आपको देखने को मिलता है फ्रंट कैमरा, यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं फ्रंट और यहाँ पे CAM सर्च करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा फ्रंट कैमरा इफेक्ट। हालांकि ये फीचर वर्क नहीं करता लेकिन इसके अंदर देखने को मिलता है, किसी भी फ्रेंड को दिखाओगे इतने सारे सेटिंग कहाँ से आपको देखने को मिल रही, कहाँ से फीचर है भाई, तो ये देखते कुछ इस टाइप में देखने को मिलता है। ये अनेबल कर सकते हैं लेकिन ये वर्क नहीं करता, पता नहीं क्या चीज़ है, ठीक है, फ्रंट कैमरा इफेक्ट तो लेकिन ये वर्क नहीं करता। नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूँ तो वो आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे सर्च कीजिए या आप यहाँ पे नीचे डायरेक्ट फाइंड भी कर सकते हैं। जैसे कि नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ईयरफोन पे मैं चला जाता हूँ, ईयरफोन पे जाने के बाद यहाँ पे नीचे की स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे देखने को मिलता है कस्टम इफेक्ट वाला फीचर। अब देखते कस्टम इफेक्ट पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट ये देखते हैं ये चीज ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर क्या चाहिए, पर्सनलाइजेशन आपको साउंड करना है, खुद का क्रिएट करना है तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें ईयरफोन को अपने फोन के अंदर लगाना पड़ेगा, तो हम ईयरफोन को यहाँ पे अटैच वगैरह कर लेते हैं, करने के बाद ये हमारे ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं बैक और ये देखते हैं पर्सनलाइजेशन साउंड आपको क्रिएट करना है, इस टाइप में चाहिए या इस टाइप में चाहिए, देखते हैं ए वाला चाहिए बी वाला पसंद आ रहा है, यहाँ से प्ले करके भी कर सकते हैं और जो भी आपको पसंद आ रहा है इस प्रकार से आप कर सकते हैं और पर्सनलाइजेशन साउंड आप क्रिएट वगैरह कर सकते हैं और ये आपको क्रिएट वगैरह करके दे देगा, है ना। काफी इंटरेस्टिंग चीज यार ये, वीडियो में वैल्यू लग रही है लाइक करो यार, इतने सारे फीचर आपको बता रहा हूं यार, तो लाइक तो बनता है और चैनल पे ना सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट फीचर की बात करो तो वो आपको देखने मिलता है हार्ट रेट वाला फीचर। जी हां, आपको यहां पे सर्च करना पड़ेगा HERT, इसका भी शॉर्टकट क्रिएट कर लीजिएगा, बार बार ही आपको एक्टिविटी लॉन्चर में जाने की जरूरत नहीं। इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहां पे देखते हैं यहां पे स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और इसको कर देते हैं परमिशन देते हैं और इसको हमें मतलब कैमरा को कवर वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। कैमरा को कवर करेंगे तो मेजर करना स्टार्ट कर देगा, आपको हार्ट रेट चेक करके बताया कितना आपको देखने को मिलता है। अब ये रियली वर्क करता है कि नहीं करता वो पता नहीं लेकिन ये देखते कुछ इस टाइप में देखने को मिलता है। 100% होने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मेजर करके बता देगा कितना हार्ट रेट है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यार, मूवमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने कैमरा के आगे, ठीक है। तो ये चीज हो चुकी है और ये देखते हैं हार्ट रेट वाला फीचर इसमें देखने को मिलता है। देखते रिपोर्ट आ चुका है, व्यू रिपोर्ट पर कर देंगे तो यहाँ पे देखते 82 रिजल्ट आ चुका है। तो कुछ इस टाइप में देखने को मिलता है, हार्ट रेट वाला फीचर भी हाइड करके रखा हुआ इन्होंने। नेक्स्ट फीचर की बात करो तो वो काफी कमाल का फीचर देखने को मिलता है यार, कैमरा के अराउंड लाइटिंग इफेक्ट को किस प्रकार से इनेबल कर सकते हैं और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। तो सिंपली इसको इनेबल करने का प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा आपको नोच पाई को डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली क्या करना है, आपको अपने फोन के अंदर इसको ओपन कर लेना है और अपने नोच का स्टाइल आपको चेक कर लेना है। वैसे पोको M5 का नोच का स्टाइल ये वाला आपको देखने मिलता है तो इस पर आपको टिक कर देना है और जिस आपके यहाँ पे फुल स्टेटस को भी यहाँ पे ऑन कर देना और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको परमिशन या OSBILITY में जो ऑन करने के लिए बोलो वो भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि आपके जो फोन में बैटरी परसेंटेज होगी, जैसे कि यहाँ पे मेरे फोन के अंदर बैटरी परसेंटेज 34%, तो 34% पे कौन सा कलर होना चाहिए, तो मैंने येलो कर रखा है 31 से 40 तक येलो यहाँ पे लाइट देखने को मिल रही है, एक 41 से भी मैंने 50 तक येलो कर रखा है। और जैसे कि आपको कलर चेंज करना है, येलो करना है, ब्लू करना है, पिंक करना, वो अपने हिसाब से आप सेट वगैरह कर सकते हैं। तो उसके बाद ये आपके फोन के अंदर यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा नोच के अराउंड, देखते हैं काफी अच्छा लगता है। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ ये और भी अच्छा लगता है, तो इसको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सर्च करना AOA, सर्च मार के यहाँ पे सर्च कीजिए इसको, ठीक है, प्ले स्टोर में जाके सर्च कीजिए और इसको डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर ओपन कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसमें भी कुछ आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, परमिशन देना पड़ेगा और जो भी आपको इसका स्टाइल वगैरह पसंद आता है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं कुछ इस टाइप में, वॉच का स्टाइल जो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी सारा कुछ सेट किया हुआ है लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ जो आपको सेट करना है यहाँ पे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एज लाइटिंग को भी यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं, इस पर हम क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखने मिलेगा एज एनिमेशन, इस पर क्लिक करता हूँ तो किस प्रकार का एनिमेशन आना चाहिए जब भी कोई नोटिफिकेशन है, इस टाइप में वो आप सेलेक्ट वगैरह कर लीजिएगा। 10 आपका होने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ एज लाइटिंग प्लस रिंग लाइट सारा कुछ किस प्रकार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। देखते कुछ इस प्रकार का आपको इफेक्ट देखने मिलता है, देखने में काफी अच्छा लगता है, रिंग लाइट एज लाइटिंग प्लस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, काफी इंटरेस्टिंग है यार ये। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टैग करेंगे, जय हिंद, वंदे मातरम।